और हरियाणा में एक डीएसपी को फर्ज निभाना भारी पड़ गया। बेखौफ खनन माफिया ने एक डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी, जिस पर विपक्ष ने खट्टर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा में बेखौफ खनन माफिया ने खूनी खेल खेला। नूह में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई को जंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। ये घटना तावड़ू के पंचगांव की है, जहां अरावली पहाड़ियों में अवैध पत्थर खनन पर रोकने के इरादे से छापेमारी के लिए पहुंचे डीएसपी ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन कानून को पहले से रौंद रहे माफियाओं ने वर्दी की परवाह नहीं की और डीएसपी को कुचलने के बाद फरार हो गए। वारदात के बाद आसपास के कई गांवों को घेर लिया। एक गांव में इनकाउंटर के बाद इकरार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैरों में गोलियां लगी हैं। ट्रक को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ट्रक के चालक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। एक एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें जो उस डंपर का खलासी था उसको शायद गोली भी लगी है उसके पैर में, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और सर्च अभियान घर घर चल रहा है, जगह जगह पर हम अभियान चला रहे हैं। हम पूरे इस मामले में गंभीर हैं, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। सीएम मनोहर लाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। डीएसपी का अंतिम संस्कार आज हिसार स्थित उनके पैतृक गाँव सारंगपुर में किया जाएगा।